सैयद से बात करते हैं मुख्य हेडलाइनों से। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर हुए हिंसा मामले में अब तक 20 एफआईआर दर्ज, 415 लोग गिरफ्तार हुए। नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी को तक हमारी मांग जारी रहेगी। बरेली में बोले मौलाना तौकीर, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ रविवार को इस्लामिक ग्राउंड में आयोजित योमे दुरूद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मौलाना तौकीर रजा और तमाम उलमाओं ने दुरूद शरीफ पढ़ा। तो में से साथ हमारा है, 40 में बंटवारा है। केशव ने रामपुर में दिया नया नारा, सपा पर भी जमकर बरसे डिप्टी सीएम। सहारनपुर अग्निपथ योजना के विरोध के लिए युवाओं का उकसाने के आरोप में 5 गिरफ्तार हुए। अग्निपथ रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ के योजना बना रहे 10 युवकों को पुलिस ने दबोचा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ट्रैक चालक को आ गई नींद, बेमौत मारे गए एक ही परिवार के 4 लोग। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर कंटेनर चालक के झपकी लगी गई, जिससे ट्रैक के अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही कार के जो भी भिड़ा, जिससे ही कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोग मौत हो गई। बिहार के 15 जिले में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी, 24 घंटे बढ़ाए गए फेसबुक व्हाट्सएप समेत 22 ऐपों पर मैसेज फोटो वीडियो बैन। अग्निपथ पर बवाल, फरुखाबाद में पत्थरबाजी, पुलिस ने भिड़े युवक 4 युवक गिरफ्तार। अखिलेश को बीजेपी पर हमला, कहा भाजपा ने आजमगढ़ को उपेक्षा की ओर बदनाम किया। इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन पास फिर भी मायूस हुआ छात्र, नंबर कम आने पर ट्रेन के आगे कूद कर दी जान।